छोड़ दीजिए हमें। चलो छोड़ तुम्हें चलना पड़ेगा अंदर, इसमें हम दोनों की भलाई है। चलो आफरीन, आफरीन इसमें हम दोनों की भलाई है, चलो अंदर आफरीन, चलो छोड़ दीजिए हमें अहमद, छोड़िए छोड़ दीजिए हमें अहमद। अहमद दरवाजा खोलिए, छोड़ दीजिए हमें अहमद, अहमद मुझे माफ कर देना, लेकिन इसमें ही हम दोनों की भलाई है। तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। Thank you.
अहमद। जी हाँ, मैं ही हूँ अहमद। आप मुस्तफ़ा? हाँ, मैं मुस्तफ़ा हूँ, डिमनोलॉजिस्ट, एग्जॉस्टिस्ट। हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। जी हाँ, आप आइए, अंदर बैठिए। आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं हुई, मगर तुम्हारा घर इतना अंदर होगा मुझे ये पता नहीं था। नदी पार करके नाव से यहाँ आना पड़ा। अजीब बात यह है कि हम मोबाइल का नेटवर्क तो आता है, लेकिन शहर से यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है। नदी पार करके नाव से ही केवल यहाँ पहुँचा जा सकता है, और यहाँ पर तुम्हारे घर के अलावा कोई दूसरा घर भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर बस यही एक घर है। मेरी पैदाइश से पहले मेरे ख़ानदान के लोग यहाँ रहा करते थे, फिर धीरे धीरे सब काम की तलाश में शहर की ओर चले गए, और फिर यहाँ कोई भी नहीं रहता था। अब हम लोग भी यहाँ बहुत कम आते हैं। तुमने फ़ोन पे तुम्हारी बीवी के बारे में बताया था, उसका नाम? जी, उसका नाम आफरीन है। आफरीन, कहाँ पर है वो? वो अंदर इस कमरे में है, यहाँ है आफरीन। जब से हम इस घर में आए हैं इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। ऐसा लगता है जैसे ये आफरीन नहीं है, कोई और है। मानो जैसे ये जिस्म तो आफरीन का ही है, लेकिन ये आफरीन नहीं। मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? जी माफ कीजिएगा, बातों बातों के बीच में मैं आपसे पूछना ही भूल गया। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। आफरीन, 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 तुम ठीक तो हो? हमें बचा लीजिए अहमद, हमें मार डालेंगे। आराम से। आराम से, आराम से, कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे बताओ तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है? जब से इस घर में आए तब से अहमद बदल गए। वो रोज हमें मारते हैं। वो अहमद नहीं है, उनके अंदर एक शैतान है। और वो शैतान ये सब करवा रहे हैं उनसे। वो शैतान चाहता है कि अहमद हमें जान से मार डाले। अरे आपने ये दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? खोलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ।
आपने ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आफरीन, लगता है वो इस दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे इसी बात का डर था। मुझे लगा ही था कि वो ऐसा कुछ जरूर करेगी। उसने आपको बहुत आसानी से बेवकूफ बना दिया। मुझे माफ कर देना, उसकी हालत देखकर मैं उसकी बातों में आ गया। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो यहां है। अब मुझे शुरुआत से सब कुछ बताओ, सब कुछ। तुम अपना शहर वाला घर छोड़ के इस घर में क्यों आए, और इस घर में आने के बाद ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? आफरीन के साथ ये सब कब से चल रहा है? 5 साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। दोनों के परिवार से हम पर बहुत दबाव था, बहुत मन्नतें मांगी हमने। तब कहीं जाकर हमारे घर खुशियां आने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। लेकिन आफरीन की डिलीवरी वाले दिन ही हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। सभी डॉक्टर हैरान थे कि ऐसे अचानक कैसे हो सकता है। हमारे बच्चे की मौत के बाद ही मेरे खानदान वालों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह देना शुरू कर दी, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं करना चाहता था। और आपको तो मालूम ही है, जब कोई औरत अपने परिवार को संतान नहीं दे पाती तो उसके लिए समाज में क्या क्या बातें होती हैं। हमारा घर हमारे लिए ही नरक बन चुका था। एक बार तो आफरीन ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। वो तो खुदा की रहमत है कि सही वक्त पर मैंने उसे रोक लिया। फिर डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी कि अपने परिवार
इस समाज के खराब माहौल से आफरीन को थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर ले जाऊं। तब मुझे अपना ये पुश्तैनी घर याद आया। मुझे लगा था कि मेरे और आफरीन के अलावा यहाँ और कोई भी नहीं होगा, इसलिए मैं आफरीन को लेकर यहाँ आ गया। लेकिन अब यह घर वो पुराना घर नहीं रह गया था। यहाँ की हवा बदल चुकी थी, लेकिन मुझे और आफरीन को पहली रात ही एहसास हो गया था कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है। उसी रात से हमारे अंदर एक डर सा बैठ गया, लेकिन यह सब तो एक शुरुआत थी। हम दोनों को हर रात एक जैसे ख्वाब आने लगे, और वो ख्वाब बहुत ही अजीब और डरावने हुआ करते थे। हम दोनों ने इस घर में काले बुरखे में एक औरत को देखा है, और एक बार
आफरीन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हमने अभी उस बुरके वाली औरत को देखा जो हम दोनों के सपनों में आई थी। हमें और यहां नहीं रोकना चाहिए, हमें यहां से कहीं और चले जाना चाहिए। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, हम कल सुबह होते यहां से निकल जाएंगे। आफरीन, 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 अरे जवाब क्यों नहीं देती हो? आफरीन, आफरीन, और उसी सुबह से आफरीन की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अजीब हरकतें करने लगी, वो कभी खूब चिल्लाती तो कभी बिल्कुल शांत होकर बैठ जाती, और वो कई बार खुद से ही बातें करती रहती। कई बार वो इस घर से थोड़ी ही दूर में एक छोटे से खंडर के पास जाकर घंटों खड़ी रहती और उसे देखती, कभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती तो कभी किसी दूसरे की आवाज़ में बात करती। और मैं आफरीन को इस हालत में घर भी लेकर नहीं जा सकता। फिर मैंने अपने एक दोस्त को यहाँ बुलाया, वो डॉक्टर था। उसकी दवाइयों से आफरीन को कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन आफरीन को रात में नींद आने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद आफरीन को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूँगा, लेकिन अगले ही सुबह खबर आ गई कि मेरा वो दोस्त, वो डॉक्टर, उसकी अपने ही घर में हार्ट अटैक की वजह से पिछली रात मौत हो चुकी थी। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये जो कुछ भी आफरीन के साथ हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ ऐसा है जो बीमारी से भी बढ़कर है। और फिर मुझे आपके बारे में मालूम चला तो मैंने आपको यहां बुला लिया। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अह
अहमद, मुझे अफसोस है तुम्हारे दोस्त की मौत का, मगर मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। मैंने इन हालात में भी सब कुछ सही कर दिया। मैं यहां पर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी शैतानी आत्मा या कोई जिन अपनी मर्जी से तुम पर हमला या तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम इसकी इजाजत ना दो से। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो तुमने दरवाजा खोल दिया, वहां तुमको कोई नहीं मिला। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ, और तुमने हर बार हर वो खिड़की, हर वो दरवाजा खोल दिया जिस पर उस शैतान ने दस्तक दी। इसे इस बात का उसको अंदाजा हो गया था कि तुम कमजोर हो। वो समझ गया था कि वो तुमको आसानी से मैनिपुलेट करके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने इस घर पे या तुम दोनों पे काला जादू किया है। किसी ने तुम्हारा बंधन किसी शैतान के साथ बांधा है। काले जादू की शुरुआत दरवाजों पे दस्तक देने से होती है, और फिर उसके बाद डरावने सपने आना। लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी या आफरीन की किसी से पुरानी दुश्मनी हो, या कोई तुम्हारा परिवार या दोस्त, कोई भी जो तुमसे जलन की भावना रखता हो, वो कोई भी हो सकता है। जहां तुम काम करते हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, वो कोई भी हो सकता है। बस हमें ये पता लगाना है कि ये जादू है कौन सा, क्योंकि जादू का पता लगाने के बाद ही हम उस जादू का बंधन तोड़ सकेंगे। और जादू का तोड़ निकालने के लिए हमें वो तावीज या काले धागे में बंधे वो कागज ढूंढने होंगे जिसका इस्तेमाल करके जादूगर ने ये सब किया है। और फिर तावीज और काले धागे में बंधे कागजों की मदद से ही हमें उस शैतान के बारे में पता चलेगा जो इस वक्त आफरीन के शरीर में है। आफरीन ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। इसका खाना खाना बहुत जरूरी है, वरना इसका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। सूरज ढलने वाला है,
मुझे लगता है तुम्हें यहां से जाना चाहिए, क्योंकि तुम इसको दोबारा उस रूप में नहीं देख पाओगे। आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? मुझे सिर्फ मौत से डर लगता है। हाँ, इंतजार खत्म हुआ तुम्हारा। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। तुझे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? याद कर अपना वो बचपन, जब तेरा बाप तुझे और तेरी उस मनहूस माँ को मारा करता था। मैं उस रात वही था तेरे बाप के साथ। तू पलंग के नीचे छिप कर देख रहा था। मैंने उस रात तेरे उस डर को महसूस कर लिया था। तेरे बाप ने तेरी माँ को इतना मारा कि वो मर गई। चुप हो जा, मैं जानता हूं तू मेरा मन पढ़ रहा है। मुस्तफा। अबू, क्या कर रहा है तू यहाँ? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। बचपन की मार भूल गया क्या तू? समझाया था ना तुझे, तू भी अपनी मनुष्य माँ की तरह जिद्दी निकला। तू सांप है, सांप। तेरे जैसी नालायक औलाद होने से अच्छा है कि औलाद ही ना हो। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं, मगर जैसा हमने सोचा था, ये शैतान उससे ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। ये शैतान बहुत ताकतवर है। हमें जल्द से जल्द इस शैतान की और इस जादू की पहचान ढूंढनी होगी। हमें वो तावीज ढूंढने ही होंगे। लेकिन घर में तो हमने कोई भी ताबीज या उस जैसी कोई चीज भी नहीं देखी। हो सकता है उन्हें कहीं घर से दूर छुपाया गया हो। हाँ शायद उस खंडर के पास जहां आफरीन अक्सर जाया करती थी। वो जगह आफरीन ने और मैंने कई बार अपने ख्वाबों में देखी है।
ये रहे वो तावीज जिसकी मदद से उस शैतान को तुम दोनों के साथ एक बंधन में बांधा गया है। ये जादू इस घर पे नहीं, तुम दोनों पे किया गया, और इस जादू का नाम है वहामी। ये जादू औरतों पे किया जाता है जिससे वो कभी किसी बच्चे को जन्म ना दे सकें। यानी सबकी शुरुआत तुम्हारे शहर वाले घर से हो गई थी। कोई है तुम्हारे परिवार में जो शायद तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहता। ये कुछ बाल भी इसके साथ में मिले जो शायद तुम दोनों के हैं। ये शायद तुम्हारी कंघी से निकाले गए होंगे या तुम्हारे कपड़ों से। और यह है वो शैतान जिसकी मदद से जादू करने वाले ने यह बंधन बांधा है, और इस शैतान का नाम है ममदू। ममदू को मारा या हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ उसकी दुनिया में ही वापस भेजा जा सकता है। ममदू का अपना कोई रूप या आकार नहीं है, वो सामने वाले के डर को ही अपना रूप या आकार बना लेता है जिससे कि वो उसके दिमाग पर हावी हो सके। जैसे मेरे सामने वो मेरे मरे हुए अब्बू की शक्ल में आया था कि उसने मेरे बचपन के डर को पहचान लिया था, और तुम्हारे और आफरीन के सामने वो बुरखे वाली औरत की शक्ल में आ रहा है क्योंकि जादू करने वाला तुमसे और आफरीन से अपनी पहचान छुपाना चाहता है। क्योंकि तुम जिसे नहीं जानते और नहीं पहचानते हो, तुम उससे उतना ही ज्यादा डरते हो, और तुम जितना ज्यादा डरते हो सामने वाले के लिए तुम्हें मारना या हराना उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन अब तो हमारे पास ये तावीज भी है, और हम उस शैतान ममदू के बारे में भी अब सब कुछ जानते हैं, तो क्या अब हम उसको रोक नहीं सकते? ममदू कोई आम शैतानी आत्मा या जिन नहीं है। जैसा कि मैंने तुमको बताया, ममदू को मारा या हराया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ उसकी दुनिया में वापस भेजा जा सकता है। और ममदू को कोई हरा सकता है तो वो है उसका जादूगर जिसने ममदू को अपने काबू में किया हुआ है। तो क्या अब हमें उस जादू करने वाले को ढूंढना होगा? अब उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, उसे जो करना था वो कर चुका है। अपने इतने बड़े खानदान में तुम किस किस को पकड़ोगे? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि जादू करने वाला आदमी है या औरत तुम्हारे परिवार से है या आफरीन के परिवार से। तब हम ये सब रोकेंगे कैसे? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, साइकिक मीडियम। साइकिक मीडियम? यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपनी आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। आफरीन का जिस्म तो यहां पर है लेकिन उसकी आत्मा जिनों की दुनिया में कैद है। अब तुमको उस दुनिया में जाकर आफरीन को वापस लेकर आना होगा। यह काम सबसे अच्छा तुम ही कर सकते हो क्योंकि तुम आफरीन के सबसे ज्यादा करीब हो। तुम ही आफरीन को उस अंधेरी दुनिया से आसानी से वापस लेके आ सकते हो। शीशे को अपने हाथ में ले लो। ये शीशा वो दरवाजा है जो तुमको उस दुनिया में लेके जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। और एक बात याद रखना, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वो दुनिया वक्त से परे है। उस दुनिया में बस अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन इस दुनिया में वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, तो जितना जल्दी हो सके आफरीन को ढूंढ के वापस आ जाना, क्योंकि सूरज ढलने में अब थोड़ा सा ही वक्त बाकी है। और अगर तुम दोनों सूरज ढलने से पहले इस दुनिया में ना आ सके तो हमेशा हमेशा के लिए उसी दुनिया में कैद होकर रह जाओगे। मैं परवरदिगार से तुम दोनों के लिए दुआ करता हूं। ठीक है। इस शीशे पे अपना पूरा ध्यान दो, और जब तुम तैयार हो जाओ तो अपनी आंखें बंद कर लेना और सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान देना। मेरी आवाज को ध्यान से सुनो अहमद, ध्यान से सुनो अहमद। अब तुम अपने शरीर से बाहर निकलकर इस शीशे से होते हुए उस अंधेरी दुनिया में जा रहे हो।
आफरीन, 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 अहमद आप यहाँ? क्या कर रहे हो मुस्तफा? तुम मेरे अबू नहीं हो, बस दोनों मेरे दिमाग के साथ खेलना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। वापस चले जाइए अहमद, लौट जाइए। वो बुरखे वाली औरत यहाँ कभी भी आ सकती है। वापस चले जाइए अहमद। आफरीन तुम घबराओ मत, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब हम सलामती से घर वापस लौट जाएंगे। उठो, बंद करो। मैं नहीं, तुम कर रहे हो अपने साथ खिलवाड़। इन दोनों की मदद करके क्या हुआ मुस्तफा? मुझे ढूंढ रहे हो? मुस्तफा, 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 भी अपनी मनुष्य वादी तरह मनुष्य है। मुस्तफा, मुस्तफा, मुझे आफरीन मिल गई है। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता मुस्तफा। इन सब से अब कोई असर नहीं होने वाला। तुम अब मुझसे जुड़ चुके हो। इन दोनों के साथ अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम और तुम्हारा खुदा मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम चाहते क्या हो तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। अहमद, क्या तुम मुझे सुन सकते हो अहमद? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। वापस उसी कमरे में आ जाओ जहां से उस दुनिया में गए थे। चलो आफरीन, संभाल के। आफरीन भागो।
अहमद, अहमद अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम भी बिल्कुल ठीक हो। खुदा का लाख लाख शुक्र है। आपको वाकई में अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर पहुंचाया है, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ा एहसान है हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो हम यहां कभी नहीं आ पाते हमारे अहमद के पास। ऐसा लगता है जैसे हम यहां बरसों बाद आए हैं। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, हमें अभी भी नहीं पता कि यह जादू तुम पे किसने करवाया था। लेकिन उसका पता भी हम जल्दी लगा लेंगे। मुस्तफा, क्या आप आज की रात यहीं रुक सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। तुम लोग भी जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। हेलो 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 मुस्तफा, आफरीन फिर से। हेलो हेलो अहमद, हेलो अहमद, हेलो हेलो पास तुम्हारे लिए एक सौदा है, मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहां से जाना होगा। मैं वादा करता हूं इन दोनों को भी मैं नहीं मारूंगा, और अगर तुम यहां से हमेशा के लिए चले जाते हो तो उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और फिर मुझे आपके बारे में मालूम चला, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आपको वाकई में अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, आपका लाख लाख शुक्रिया।
आफरीन, आफरीन। ऐसा लगता है जैसे यहां बरसों बाद आए हैं। खेलना